और इस लेसन प्लान में जो दिया गया है वो है स्पेशल कास्टिंग मेथड में ही हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हमारा है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अपकेंद्रीय कास्टिंग। ये वर्ड कहाँ से कैसे आता है इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे, और इसको पढ़ने के पहले हम जानते हैं कि स्पेशल कास्टिंग मेथड्स कौन सी होती हैं, और उसमें भी डाई कास्टिंग के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। इस क्लास के पहले मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर एक वीडियो दिया था, पीडीएफ में 3 से 5 तक देखने को बोला था। इसमें से कुछ पीडीएफ की शायद इमेज सही नहीं है, बट फिर भी रीडेबल है। तो अब ये 3 प्रश्न मैंने दिए थे कि कार्यकारी सिद्धांत क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के टाइप्स क्या है, और कहाँ पर उपयोग में आती है। तो अभी आप लोगों को मैंने अनम्यूट किया हुआ है, तो अब आप लोगों बताइएगा मुझे कि इन तीनों में से कौन से प्रश्न का जवाब आप में से कोई दे सकता है। जो दे सकता है वो बोले। पहली चीज, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या है, टाइप्स क्या है, और कहाँ उपयोग होते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बोलिए। कोई बोलना चाहेंगे? सर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है, मतलब प्रिंसिपल दर्शन बोल रहे हैं क्या? वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड, चलो सर। और इसके 3 टाइप है। अब दूसरे से पूछते हैं अपन, दर्शन का हो गया है, अब कोई और बताना चाहेगा टाइप्स कितने प्रकार के हैं? ऋतिक, टाइप्स बोलेंगे कितने प्रकार के हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, हां, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सर। सेमी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूजिंग, वेरी गुड। चलिए, मतलब देखा है, ये दो लोगों ने देखा है, और बाकी लोग यदि कुछ बोलना चाहें कि कहां पर उपयोग करते हैं आप दो के अलावा, कोई कुछ बोलेगा? हरेश कुछ बोल रहा है, कहां पर उपयोग होता है? चलिए, अब मैं यहां पर आपको, कहां पर? टू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बनाने में यूज होता है। चलो ठीक है, अब यहां तक अपन ने देखा है। अब मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं और मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हमको कुछ पता लगा है कि इसका कार्यकारी सिद्धांत क्या है और कितने प्रकार की होती है और कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने प्रकार और कहां पर उपयोग किया जाता है इसको कंबाइन किया है। पहले हम देखेंगे कि कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो कार्यकारी सिद्धांत के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल पेंट की जो बनाई हुई है उसको अपन थोड़ा सा देखें कि पेंट में क्या होता है। हमको ये पता है कि जब भी कोई रोटेटिंग मेंबर है, एक घूमने वाली एक बॉडी है, सपोज अपन यहाँ पे बॉडी भी ले सकते हैं, छोटी सी बॉडी ले लूं क्या मैं? चल ले लेते हैं। एक मैंने छोटी सी बॉडी ले ली है सॉलिड टाइप की, और वो जो है स्ट्रिंग के मदद से यहाँ पर घूम रही है, ठीक है ना? अपन ऐसा मान लें कि ये अपनी बॉडी है, यहाँ पे मैंने ले लिया है, और ये एक जो सर्कल है इस पर ये जो है यहाँ पर रोटेट हो रही है, और डायरेक्शन आप लोगों को दिख रही होगी कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है ना? तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट होती है अलॉन्ग अ सेंटर ऑफ सर्कल, तो हम ये देखते हैं कि इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में एक लगता है, जिसको हम एफसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं या अपकेंद्रीय बल। और ये चूंकि इसी पॉइंट पर स्थिर है, अपने को ऐसा महसूस होता है, इसका मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, तो इसके अपोजिट में केंद्र से अंदर की ओर भी एक फोर्स लगता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय। तो यहां पर सेंट्रल फोर्स का अपन ने एक टर्म इसमें यूज हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है कि बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो पहली चीज तो हमारी ये थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो मेरे ख्याल से अब इतने इंट्रोडक्शन के बाद अपने को पुराना कुछ याद आ गया है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे कार्यकारी सिद्धांत पर आते हैं। इससे कार्यकारी सिद्धांत में हम देखें, इसमें हम पिघली हुई धातु को, मतलब मोल्टन मेटल को, पिघली हुई धातु को तेजी से घूमते हुए मोल्ड, मतलब रोटेट होता हुआ मोल्ड है, तेजी से घूम रहा है,
वो जो मोल्ड जो है वो आपका सूखी रेत का हो सकता है, ड्राई सैंड का, ग्रेफाइट का हो सकता है, या मेटल का हो सकता है। ये जो मोल्ड है रोटेटिंग मोल्ड है, मोल्ड का मतलब समझ रहे होंगे आप कि जो अपन ने देखा था कि डाई कास्टिंग में तो मतलब वो परमानेंट टाइप का मोल्ड था लोहे का बना हुआ, लेकिन मोल्ड अपन ने बाकी उसमें देखे ग्रीन सैंड और ड्राई सैंड में कि सैंड के बनते हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी एक मोल्ड हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर मोल्ड जो है तेजी से घूम रहा है, वो घूमना उसका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, यानी या तो इस एक्सिस के अलांग रोटेट हो रहा है, या वर्टिकली रोटेट हो रहा है, या फिर इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो इसमें पिघली हुई धातु को हम तेजी से घूमते हुए मोल्ड में मोल्ड करते हैं, मतलब पोर करते हैं, डालते हैं, पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इंटू आइदर हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड और वर्टिकली रैपिड रोटेटिंग मोल्ड ऑफ ड्राई सैंड ग्रेफाइट और मेटल। तो उससे कारण क्या होता है, मेटल इज थ्रोन आउट टुवर्ड्स द मोल्ड फेस, मतलब मेटल जो होती है पिघली मेटल जो आप सेंटर में डालते हैं वो बाहर की ओर थ्रो होती है, आउटसाइड में, बाहर की तरफ मतलब मोल्ड की साइड में होती है, बाय सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अंडर कंसिडरेबल प्रेशर, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण वो जो है बाहर की ओर फेंकाती है। तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण धातु जो है बाहर मोल्ड की ओर थ्रोन, और मतलब हिंदी अब आप समझ लीजिएगा, मेरे को जो कन्वर्जन में मिला मैं वही लिख पाया हूँ, बट वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है कि इसमें हम एक रोटेटिंग मोल्ड होगा, गोल गोल हालो होगा, हालो में बीच में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेटल को डालेंगे, पिघले हुए मेटल को, और चूंकि वो हालो रोटेटिंग है तो वो क्या होगा, रोटेटिंग होने के कारण वो जो मेटल होगा वो बाहर की ओर थ्रो होगा, बाहर आउटर पर हमारा जो है वो मोल्ड है। इससे क्या होगा कि बाहर जो मोल्ड के पास स्ट्रांग और डेंस एक्सटीरियर, मतलब क्या बनेगा, मजबूत और सघन कास्टिंग बनेगी, जबकि यदि मोल्टन मेटल में कुछ अशुद्धियां हैं तो वो सेंटर पर ही रह जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कार्यकारी सिद्धांत ये कहता है कि हम ऐसे पीस बना सकते हैं जो सिमेट्रिकल हो, सर्कुलर हो, आप ऐसा बोल सकते हैं, इसमें अभी इस स्टेज पर आप बोल सकते हैं, मतलब यूनी एक्सिस हो, मतलब एक ही एक्सिस पर जो घूम रहे हो उसके हो। तो ये है हमारा कार्यकारी सिद्धांत, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। अब इसमें यदि अपन बात करें तो इसमें हम देखें तो मैं टाइप्स पर जाता हूँ, टाइप्स के अभी आप लोगों को नाम पता है, यहाँ पर मैं नाम थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ कि इसमें टाइप्स जो है वो ट्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग कहलाता है। सेंट्रिफ्यूगल अब हिंदी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमको पता है, ये इसकी खासियत ये है कि इसमें कोर नहीं होती है, जो कोर हम पहले लगाते थे एडिशनल मटेरियल फॉर हॉलो शेप, कोर नहीं होती है और सिमेट्रिकल कास्टिंग के लिए होती है। जैसे अपन देखें बंदूक का जो बैरल होता है, गन बैरल, या पाइप्स होते हैं या ट्यूब्स होते हैं, हालो हालो पाइप्स और ट्यूब्स या गन बैरल, उसके लिए हम ट्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग का उपयोग करते हैं। इसमें यदि एक्सिस इसके हॉरिजॉन्टल है तो हम उस पीस के लिए करते हैं जिनकी लंबाई व्यास की तुलना में ज्यादा है, लेंथ इज मोर एज कम्पेयर टू डायमीटर, जबकि वर्टिकल ट्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग हम जो यूज करते हैं उसमें डायमीटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेंथ। तो यहाँ पर ये ट्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग होती है। सेमी सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग की हम बात करें तो यहाँ पर कोर्स का हम यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो इसमें जैसे मान लीजिए अपना गियर ब्लैंक है, तो गियर ब्लैंक में पूरा सॉलिड भी हो सकता है, बीच में उसका हॉलो भी हो सकता है, फ्लाई व्हील है, पुली है या रिंग्स है, ये वाले जो पीसेस हम बनाते हैं ये हम सेमी सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें कोर का उपयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जो अपनी एक्सिस सिमेट्रिक है लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप देख रहे हैं ट्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग मतलब वेरी सिंपल, जस्ट लाइक अ पाइप, गन बैरल और ट्यूब। ये फ्लाई व्हील आप देखते हैं या पुली देखते हैं या रिंग देखते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इनको हम सेमी सेंट्रिफ्यूगल के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि इसमें स्पोक्स बनते हैं, या गियर व्हील्स में टीथ तो खैर बाहर कर देंगे, ब्लैंक तो बनाया जा सकता है बट वो सॉलिड रहता है। इसके बाद तीसरा वाला रहता है अपकेंद्रित, लिखा है हिंदी में सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में हम अनसिमेट्रिकल पार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हम अलॉन्ग द रेडियस रखते हैं, अलॉन्ग द पेरिफेरी रखते हैं पीसेस को, और छोटे छोटे पीस होते हैं, वो एक जैसे होना जरूरी नहीं है, रेगुलर भी हो, नॉन सिमेट्रिकल भी हो, छोटे छोटे से पीस बनाना हो। जैसे अपने नाम ले यहाँ पर, या अपने बल्ब की बॉडी है, प्लग है, बल्ब का बोनेट है, योक्स है, ये जो बनाए जाते हैं ये सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं।
यहाँ पर मैंने एक YouTube का एनिमेशन का आईडी लिया हुआ है, तो अपन इसी को आप देखते हैं ये तीनों टाइप में कि तीनों टाइप में कैसे दिखता है हमारा सेंट्री ट्रू सेंट्रीफ्यूगल। देन इसके बाद ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में दो, पहला वाला है आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल, फिर है आपका सेमी सेंट्रीफ्यूगल अर्ध अपकेंद्री, और तीसरा है आपका सेंट्रीफ्यूजिंग। तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जो एनिमेशन है इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले ये है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब इसके कंपोनेंट देखें आप सबसे पहले कि ये जो पीस आपको दिख रहा है अभी बाहर की ओर, ये लेंथ पूरा और ये पूरा का पूरा है मोल्ड। ये मेटल का भी हो सकता है, ग्रेफाइट का भी हो सकता है या सैंड का भी हो सकता है। ये आपको दिख रहा है मोल्ड। इस मोल्ड की खासियत ऐसा होना चाहिए ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में कि अंदर की ओर पूरा प्लेन सिलेंड्रिकल हो, बाहर आप कुछ इस तरह की स्टेप्स वगैरह दे सकते हो। तो सबसे पहले हमारा रहेगा ये मोल्ड। इस मोल्ड में हम एक मोटर की मदद से रोटेटिंग रोलर्स का यूज करके इसको रोटेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये रोलर को यदि मैं घुमाऊं तो ये तब तक नहीं घूमेगा जब तक कि इसको पीछे से सपोर्ट ना दूं। तो ये रोटेटिंग रोलर है और ये वाला सपोर्टिंग रोलर है। लाइकवाइज ये भी रोटेटिंग है, ये वाला सपोर्टिंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबा है, लेंथ इज मोर, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल टाइप की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये सपोर्ट चल रहा है अपना रोटेटिंग और ये सपोर्टिंग है, और यहां से हम मोल्टन मेटल डालेंगे इसके सेंटर। तो अब आप देखें इसको ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में आप देखेंगे यहां पर ये देखिए ये ड्राइव मोटर है, फ्री इशू आ रहा है। इसके बाद ये ड्राइव रोलर है, ये सपोर्टिंग रोलर है, यस दो ड्राइव है दो सपोर्टिंग है। ये मोल्टर मेटल आई है, सेंटर में मोल्टर मेटल आई है। और मोल्टर मेटल के बाद अपन देखें, देख रहे हैं आप कि मोल्टर मेटल को हमने डाला है रोटेटिंग मोल्ड में, ये रोटेट हो रहा है मोल्ड। साइड से देखें ये जो कलर चेंज है आपका, इस कलर चेंज में देखिए आप ये ऑरेंज कलर का जो है ये हमारा कास्टिंग बन रही है। पिघली मेटल है वो आ रही है और यहाँ पर आपकी ये कास्टिंग बनती जा रही है, और मोल्टर मेटल जो है बाहर की ओर जा रही है वो सेंट्रल फोर्स के कारण जा रही है, इसलिए अपन तो सेंट्रिफ्यूगल बोलते हैं। मोल्ड यूजुअली टू हाफ में होता है। जब हमारी कास्टिंग बन जाती है तो हम इसका अपर हाफ खोल लेते हैं और कास्टिंग को बाहर निकाल लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये आपकी कास्टिंग बन गई है, एक हाफ को हटा के पूरी की पूरी कास्टिंग हमने बाहर ले ली है। तो ये हमारी कहलाएगी ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में अब आपको जो कंपोनेंट है वो बताना है, मोटर रोलर ये वाला चित्र बनाना है, ये अभी मैं मेरे पीडीएफ में भी शेयर बताऊंगा कैसे सपोर्टिंग रोलर मोल्डिंग। अब आइए सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में पहली बात तो यह है कि सॉफ्ट वर्टिकल होती है, पहली चीज। इसमें आपका ये मेटल भी मतलब ये जो पोरिंग मोल्ड पोरिंग अपन मेटल को पोर करेंगे वो नीचे रोटेट होगा और साथ में ये टेबल भी रोटेट होगी। अब देखिए इससे अपन क्या बनाना है, फ्लाईव्हील या रिम। ये देखिए आप मतलब इसका डायमीटर ज्यादा है लेंथ कम है, वर्किंग प्रिंसिपल भाई है वर्टिकल है, लेकिन इसमें ये जो है पोरिंग रोटर जो है अपना वो भी देखिए आप, अंदर की मेटल जो है पोरिंग मेटल भी रोटेट हो रही है सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में ये टेबल भी रोटेट हो रही है। तो दोनों चीजें रोटेट होती है और इस तरीके से कास्टिंग बनती है और ये कास्टिंग आपकी बाहर आ गई। इसमें कूप अलग है, ड्रेग अलग है। तो कूप और ड्रेग को निकाला मोल्ड के, क्योंकि मोल्ड में बताना भूल गया था इसमें, तो मोल्ड के अंदर से आपकी पूरी पूरी कास्टिंग बाहर आ गई। तो इसमें कूप एंड ड्रेग हम यूज करते हैं। तीसरा वाला है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में देखिए आप
कि यहां से आप वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि बीच में जो है स्क्रू की मदद से जो है मोल्टन मेटल जो है बाहर की ओर थ्रो होगा, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे मोल्ड है वो छोटे छोटे मोल्ड है, देखिए आप ये वाले डिफरेंट डिफरेंट है इरेगुलर शेप्स के, यहाँ पर देखिए आप इसकी वर्किंग में आपको पता लगेगा अभी कि जो सेंट्रीफ्यूज है उसमें सिमेट्रिकल नहीं बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे पीस, जैसे वाल्व की रिंग, ये आपकी रिवॉल्विंग टेबल है, टेबल रिवॉल्व होगी, यहाँ पर ये मोटर से ये फ्लास्क लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे अपने मोल्ड है, यहाँ से आप रिजर्वायर है फिट करेंगे मोल्टन मेटल को। और अभी मोल्टन मेटल जब इसमें पावर होगी तो जो गेट बना है अपन ने, एक स्प्रू है उसके पास से अपन ने बहुत सारे गेट्स बनाए हुए, सेंट्रल गेट है इसमें, यहाँ पर स्प्रूज दिए हैं उससे कनेक्टेड, ये छोटे छोटे आपको जो पीस दिख रहा है ये अपने प्रोडक्ट है, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व पॉइंट, ये देखिए ये अ ग्रुप ऑफ स्मॉल मोल्ड्स, छोटे छोटे मोल्ड है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अब ये रोटेट होगा और जैसे मोल्टन मेटल आएगी, मतलब इसमें कंडीशन है टेबल भी रोटेट होती है और साथ में जो नीचे से आप वो देख रहे हैं पॉरिंग मेटल का गेट है वो भी रोटेट होता है, तभी ये बाहर की ओर थ्रो होता है। इस तरीके से ये एक एनिमेशन था जिसको कि आप देख पाते कि सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्री सेमी सेंट्रीफ्यूगल या आपका सेंट्रीफ्यूजिंग ये एक्चुअल में वर्किंग कैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे से एनिमेशन के द्वारा बताया। अब अपन परीक्षा की बात करें, परीक्षा में क्या करेंगे, ये देखना फोटो देखना अच्छा लगता है, वर्किंग प्रिंसिपल भी अच्छा लग रहा है। अब अपन परीक्षा की मदद से अपने पीडीएफ के नोट्स पर जाएं और उसमें देखें। तो पहली चीज तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि जब बोलेंगे स्पेशल है तो स्पेशल है तो भैया क्यों यूज कर रहे हैं आप, यहाँ पे बात होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्योर कास्टिंग मिलती है क्योंकि इम्प्योरिटी जो है वो सेंटर में रह जाती है, डेंसिटी और हाई क्वालिटी की आपको कास्टिंग मिलती है, और सोलिडिफिकेशन होता है वो डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता जाता है, तो आपका कोई बीच में कहीं सोलिडिफाई या पहले जो कास्टिंग डिफेक्ट्स होते थे वो नहीं मिलेंगे। इसमें कोर या कोर प्रिंट की आवश्यकता नहीं होती है। गेटिंग सिस्टम और राइजर जो है ये अपने को गेटिंग सिस्टम और राइजर का उपयोग हो रहा है कहाँ पर, सेंट्रीफ्यूजिंग में, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो है सेमी सेंट्रीफ्यूगल हो या सेंट्रीफ्यूगल हो उसमें इसकी जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी बन जाता है, आप कास्टिंग को आसानी से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पतले पतले और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी आप बना सकते हैं और इसमें रिजेक्शन जो है वो कम होता है। इतने सारे फायदे हैं, लेकिन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं कि इसकी इनिशियल कास्ट हाई है, इसमें ऑपरेटर स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए, मेंटेनेंस कास्ट हाई है, और इन सबके ऊपर सिमेट्रिकल कास्टिंग्स ही बन सकती हैं। अगर बड़ी कास्टिंग की बात करें, छोटे छोटे वो थे सेंट्रीफ्यूज, अपन उसको एक्सेप्शनल केस माने, बट इन जनरल जो डिसएडवांटेज हम लिखेंगे कि इसमें सिमेट्रिकल कास्टिंग जो है वही बन सकती है। अब आते हैं अपन इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर का है, तो आप पिक्चर बताएंगे ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में। यहाँ पर एक मोटर लगाएंगे, गियर लगाएंगे, उसकी मदद से यहाँ पर रोलर होगा, रोलर रोटेट होगा, यहाँ पर ही आपका मोल्ड रखा हुआ है और बीच में आपने यहाँ पर मोल्टन मेटल डाली है, तो जब ये रोटेट होता है सपोर्टिंग रोलर भी होंगे, पीछे की तरफ सपोर्टिंग रोलर होंगे, जब आप इसको रोटेट करेंगे मोटर की मदद से तो यहाँ पर सेंटर में जो पोरिंग मेटल जाएगी वो सेंट्रल फोर्स से कर बाहर की ओर जाएगी, जिससे कि डेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको मोल्ड से लगा हुआ मिलेगा, जबकि ये जो है आपको अंदर की ओर यहीं पर रह जाएंगी आपकी अशुद्धियां जब बाहर निकल आएंगी। मेटल को पोर करने के लिए यहाँ पर लेडल का अपन यूज करते हैं, पिग्मी मेटल आई और उसके यहाँ से पोर करते हैं। तो ये अपने को फोटो बनाना जरूरी है। जब भी हम ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, आप देखिएगा नाम में ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आया है, सेमी मतलब यूजली से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ही आता है, तो उसमें आप ट्रू सेंट्रीफ्यूगल बना दें। हमने बता दिया ऑलरेडी के बुशिंग, गन बैरल, सीआई पाइप्स इसके लिए, बाकी अपन ने देख लिया है कि इसका एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में यहाँ पर जो बात हुई थी कि ये अपना पोरिंग बेसन है और यहाँ पर ये सॉफ्ट से आपका ये जो मेटल आप फिल कर रहे हैं ये वाला गेट यहाँ पर भी रोटेट होता है, और साथ में आपका ये जो टेबल है ये टेबल भी रोटेट होती है, मतलब जो आपने पिक्चर में भी देखा था। यहाँ पर दो कास्टिंग रखी है, एक का ड्रैग एंड कूप एक साथ है, ड्रैग एंड कूप मतलब इसमें मोल्ड जो है ड्रैग एंड कूप में चलेगा, तो बाहर निकाल के आपने देखा किस प्रकार से हम ड्रैग को अलग कर लेते हैं और कूप को अलग कर लेते हैं कास्टिंग निकाल के। तो
तो इसका कास्टिंग का ये फिगर आपको बनाते आना चाहिए जैसे मैंने बनाया है, इनको आप ट्राई करिएगा, क्योंकि बिना फिगर के आपको कोई ज्यादा नंबर नहीं मिल पाएंगे, बट आप फिगर बना देंगे तो आप लिख करके आसानी से बता सकते हैं। इसमें अपन गियर्स व्हील्स इनको बनाते हैं, बट ये सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्सिस। और जहां तक सेंट्रीफ्यूजिंग की बात थी, तब हम सेंट्रीफ्यूजिंग पर आते हैं। तो सेंट्रीफ्यूजिंग में देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने सेंटर में लिया है एक गेट लिया, उस पर हम पिघलुई मेटल डालेंगे और यहाँ पर ये कनेक्ट है, ये एक पीसी है, एक पीसी है, एक पीसी है, एक पीसी है। यहाँ पर तो मैंने चारों को सिमेट्रिकल बनाया है, इससे गेट मतलब स्क्रू भी जाएंगे बाहर की ओर, वो आप इसमें दिखाए नहीं गए हैं, रेडियल गेट्स हैं, अलॉन्ग द रेडियस चलेंगे। जब आप इसको रोटेट करेंगे और टेबल को रोटेट करेंगे तो सेंट्रल फोर्स के कारण जो है आपका जो मोल्टन मेटल है वो आएगी और इन मोल्ड्स को फिलअप करके आपको कास्टिंग प्रोवाइड कर देगी। इस तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, और इसके बारे में भी ये लिखा है कि ये ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन बहुत सारी आइडेंटिटी सिमिलर हो या नहीं हो उनको रेडियल गेट के थ्रू जोड़ते हैं, बट इसमें सेंट्रीफ्यूगल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अलॉन्ग द सेंटर हम इसमें मेटल को फिल करते हैं और उसको थ्रो करते हैं अलॉन्ग द रेडियस या आउटवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम इसको इसमें रखते हैं, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये तीन तरह की है। अब आपका इश्यू जो है इसमें अपन चलते हैं कि जो मैंने नोट्स में, नोट्स से हमको ये पता लगा कि पिक्चर जो बनाना है वो हमको कैसे बनाना है। एनिमेशन के द्वारा हमने जाना कि ये जो हमारा एक्चुअल वर्किंग होती है वो कैसी होती है, इसको अपन ने जाना है। अब मैं एक रोल नंबर आ गया 20, राहुल पटेल भी एंटर हुए हैं अभी अभी, राहुल पटेल 20, सो टोटल इज दैट इज 15। चलिए एक आध कोई और है बीच में आया था, वो भी अपने डाल दे चैट में। अब अपने क्वेश्चंस चैट में डालें तो एक राहुल पटेल के पहले जो आया है उसने अपना रोल नंबर नहीं डाला तो वो डाल दें। तो हमारे फिर से अपने ओरिजिनल वर्क लेसन प्लान पर आते हैं। तो इस लेसन प्लान में हम देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा, हमें क्या पढ़ना था और वो हमने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, हम इसको देखेंगे। अब तो यस शेयर हो रहा है शायद अभी, हाँ यस होने वाली है। तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमको पढ़ना था एक तो कार्यकारी सिद्धांत क्या है, वो हमने पढ़ा यहाँ पर। कार्यकारी सिद्धांत ये है कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण हम मेटल को थ्रो करते हैं सेंटर से बाहर की ओर, जिससे हमें कास्टिंग मिलती है। ये वर्किंग प्रिंसिपल है। टाइप्स में तीन प्रकार के हैं। इसके बाद तीन प्रकार में ट्रू सेंट्रिफ्यूगल, उसको सेंट्रिफ्यूगल ही ट्रू सेंट्रिफ्यूगल लिखते हैं बेसिकली। और उसके बाद में फिर आता है अपना ट्रू सेंट्रिफ्यूगल के बाद आता है अपना ओरिएंटल या वर्टिकल, उसमें अपन बोलते हैं। इसके बाद आता है अपना सेमी सेंट्रिफ्यूगल, इसमें कि डायमीटर ज्यादा होता है। अपने देखा फ्लाई व्हील है या ब्लॉक्स है, अपने उनकी बात करते हैं। और लास्ट में अपना आता है सेंट्रीफ्यूजिंग। तो यहाँ तक मुझे सेंट्रीफ्यूगल में पढ़ाना था। अब इसका यह भी है कि आपको चित्र वगैरह कैसे बनाना है, तो मैंने मेरे पीडीएफ में जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने बनाए हुए हैं पेन। अब आपको चलाना है कॉपी पर, क्योंकि पढ़ हम चाहे जितना लें, लेकिन यदि हम उसको हाथ से तक ड्राइंग नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि ड्राइंग एक बार तो आपको अपने हाथ से बनाना ही पड़ेगी, तभी जाकर के आप इसको पूरा कर सकते हो। आप लोग अपने प्रश्न जो है वो चैट में डाल दें। यहाँ पर ये टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, हर एक के साथ एप्लीकेशन भी लिखी है। टू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग विदाउट कोर, सबसे पहले इसमें कोर का उपयोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ये आपने जो वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें काफी डिटेल में दिया है, इसलिए उस वीडियो को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो मैंने दिया था। वो 14 मिनट का था, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं यहाँ पर एक सपोर्ट के लिए ले रहा हूँ, यदि नहीं देखा तो फिर देख लीजिएगा, क्योंकि मदद वही करेगा। आज हमने जो पढ़ा है वो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं और एप्लीकेशन पढ़ी हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। इस तरीके से अभी मैं जो यहाँ तक का मेरा लेक्चर था, अगेन द टाइम हमारे पास अभी है, हम डिस्कस कर सकते हैं। आप चैट पर अपने प्रश्न डालें तो मैं सबको, या आवाज में खोलूं या चैट पर डालेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आवाज खोलने में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अनम्यूट भी कर देता हूँ,
लेकिन असली रिकॉर्डिंग रोक दूंगा, तो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा। तो अभी तक आप लोगों ने जो प्रश्न किए थे उनका एक ही प्रश्न आया था कि ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, और एक आया था कि सेंट्रीफ्यूगिंग सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग क्या है, तो उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोग कल जो है पेपर्स देख करके तैयारी के साथ आए थोड़ा सा, जिससे हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें, और कल हम जो कास्टिंग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, उस पर डिस्कस करेंगे। राइट, सो थैंक यू ऑल for today's class.